जाएगा। देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है पिज्जा हमारा यहाँ पर। देख सकते हो दोस्तों लिक्विड चीज लगाया जा रहा है। नेक्स्ट मायोनीज आएगा। तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल जेड पिज्जा बनाकर, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस है उज्जैन में। ट्रिपल जेड पिज्जा सेंटर पर आज हम आपको लेकर आ चुके हैं। देख सकते हो दोस्तों कई प्रकार की वैरायटी है यहाँ पर, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल जेड पिज्जा। भैया क्या स्पेशलिटी है आपके इस पिज्जे की यहाँ पर, पिज्जा की यहाँ पर? भैया इसमें ये है कि इसमें ना अपने रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम डालते, तीन प्रकार की तो कैप्सिकम डालते, रेड येलो और ग्रीन कैप्सिकम, तीन प्रकार की यहाँ पर आप कैप्सिकम डालते हैं। तो भैया हमें आप पिज्जा लगाकर बता दीजिए क्या क्या होता है, हम पूरी इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं कैसे बनाया जाता है इसे। ठीक है भैया बता बता। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पर पिज्जा बेस लिया जा रहा है। भैया क्या प्राइस है इस पिज्जा की? इस पिज्जा की प्राइस है 140। इस पिज्जा की प्राइस है दोस्तों यहाँ पर 140। ये क्या लगा रहे हैं? पिज्जा पास्ता सॉस है ये दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर बेस के ऊपर पिज्जा पास्ता सॉस आ रहा है। अपना पिज्जा पास्ता सॉस लग गया ये दोस्तों, यहाँ पर पिज्जा पास्ता सॉस लग चुका है हमारा। तो पिज्जा सॉस के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं तीन तरीके के यहाँ पर वेजेस लगाई जाएगी, जिसमें रेड शिमला मिर्ची है, येलो है और ग्रीन। तो दोस्तों तीनों कैप्सिकम यहाँ पर इसके ऊपर कटिंग करके यहाँ पर पिज्जा बेस के ऊपर लगाया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ग्रीन कैप्सिकम लगाया जा रहा है। ग्रीन कैप्सिकम के बाद में दोस्तों यहाँ पर येलो कैप्सिकम लगाया जा रहा है। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर हाइजीन का भी ध्यान रखा गया है, हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पिज्जा बनाया जा रहा है। तो हमारी सारी यहाँ पर कैप्सिकम लग चुकी है तीनों कलर्स की यहाँ पर। अब दोस्तों कैप्सिकम के बाद में यहाँ पर ट्रिपल जेड पिज्जा के ऊपर, स्पेशल पिज्जा के ऊपर पनीर भी आएगा। पनीर के बाद में दोस्तों यहाँ पर बेबी कॉर्न आएंगे। पनीर काटा जा रहा है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर। पनीर लगाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। पनीर के बाद में जैसा कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये बेबी कॉर्न है, इसे कट किया जा रहा है यहां पर। दोस्तों हमारा यहां पर बेबी कॉर्न भी कट चुका है। अब दोस्तों बेबी कॉर्न डालने के बाद में यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉर्न डाले जा रहे हैं। दोस्तों हमारे पिज्जा के ऊपर यहाँ पर सारी टॉपिंग्स हो चुकी हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर क्या आता है नेक्स्ट चीज वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर से उठाकर दोस्तों इसे यहाँ पर रखा जा रहा है, देख सकते हैं क्या चीज है भैया। ये अपना चीज ड्रेसिंग है भैया। दोस्तों लिक्विड चीज डाला जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि। लिक्विड चीज आ गया दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये मोजरेला चीज डाली जा रही है अब इसके ऊपर। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर चीज मतलब मोज़रेला चीज डाली जा रही है यहाँ पर। अब चीज के बाद में देख सकते हो देखते हो यहाँ पर ब्लैक ऑलिव डाली जा रही है। दोस्तों बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहा है दिखने में, खाने में भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा दोस्तों। अब यह क्या आएगा इसके ऊपर?
भैया बस अभी ये बेक होएगा, ओवन में रखा जा रहा है इसे। अब भैया इसे कितनी देर लगेगी? 10 मिनट लगेंगे भैया कम से। 10 मिनट लगेंगे दोस्तों यहाँ पर कम से कम पिज्जा रेडी होने में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं रेडी होने के बाद ये कैसा रहता है। ये अपना पिज्जा नीचे से बेक हो चुका है दोस्तों, पिज्जा हमारा यहाँ पर नीचे से बेक हो चुका है भैया बता रहे हैं यहाँ पर। अपन इसके नीचे ये जाली रखी जाएगी दोस्तों, जिससे क्या ये नीचे से जले ना। ऊपर से भी लगभग हो ही रहा है, ऊपर से भी ऑलमोस्ट हो चुका है भैया हमें यहाँ पर बता रहे हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर पिज्जा कंप्लीट हो चुका है भैया जैसा हमें यहाँ पर बता रहे हैं। अभी देख कुछ इस तरीके से दोस्तों इसे बाहर निकाला जाएगा। देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है पिज्जा हमारा यहाँ पर। दोस्तों इसकी प्राइस यहाँ पर 140 ओनली, ट्रिपल जेड पिज्जा हमने स्पेशल पिज्जा दोस्तों यहाँ पर हमने बनाकर बताया भैया के सजेशन पर। भैया अब क्या आएगा इसके ऊपर यहाँ पर? अब इसके ऊपर आएगा भैया ओरिगेनो चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो चिली फ्लेक्स और लिक्विड चीज आएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कटिंग की जा रही है पिज्जा की। ये दोस्तों यहाँ पर ओरिगेनो लगाया जा रहा है, ये चिली फ्लेक्स आ चुका है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों लिक्विड चीज लगाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मायोनीज आएगा। ये केचप आ चुका है दोस्तों। हमारा पूरा पिज्जा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से ट्रिपल जेड स्पेशल पिज्जा बनाया जाता है उज्जैन में। एक बार दोस्तों जरूर आए आप भी और ट्राई करें। देख सकते हैं दोस्तों कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर दिखने में, खाने में भी उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा दोस्तों।